गाइस 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 कहते हैं बस, और कुछ नहीं। चेहरा जो है काला आ जा रहा है क्योंकि कैमरे के। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बच रहे हैं 6:18 और हम लोग चंडिका धाम आ चुके हैं, जो कि हम लोगों के गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। और आज दिवाली का दिन है। सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और मेरे भैया आए थे, तो जो राहुल भैया है दिल्ली मेट्रो में असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर साहब आए थे, तो उनको लेकर के हम यहीं पे चंडिका धाम आए हैं दर्शन करने के लिए। वो तो गए दर्शन करने, बट हम नहाए धोए नहीं हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी इधर लग रही है, और इसलिए हम बोले कि आप ही जाइए नहा धो के दर्शन करके आइए। आज माँ का श्रृंगार था, तो बड़ी मम्मी भाभी और भैया तीनों लोग आए हैं, और हम यहीं के कार में बैठ के वेट कर रहे हैं। मंदिर आपके बगल में ही है, बगल में साइड में, और यहाँ से देख रहे हैं कितना मस्त अभी अभी जो है सूर्य उदय हुआ है, और गंगा जी का किनारा है, कितना मस्त लग रहा है। आप लोगों को अभी पीछे का दिखाते हैं। ये देखिए गाइस, सूर्य उदय हुआ है और यहाँ से क्या नज़ारा दिख रहा है। नीचे गंगा जी हैं, और मतलब एकदम मस्त यहाँ से लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और बहुत ही प्यारा यहाँ से मतलब दिख रहा है, जो भी दिख रहा है बहुत ही प्यारा यहाँ से दिव्य आ रहा है, एकदम दिव्य स्थल है। और ये रहा माता का मंदिर, जो कि इधर से जाने के बाद ऐसे घूम जाने के बाद माता का गेट है, और यही सब है। अब यहाँ से ये सब श्रृंगार विंगार करवा के आएंगे माता का, तो फिर हम लोग चलेंगे। और हम हैं अपने कायगर से, आज कायगर से आए हैं, अल्टो घर पे है। आज भैया के कायगर से यहाँ तक का सफ़र तय हुआ है, मस्त है। अपनी कायगर रेनो कायगर आपको जूम करके एक बार दिखाते हैं। ये देखिए नीचे पूरा गंगा मैया दिख रही है। मोबाइल से तो उतना अच्छा कैच हो ही नहीं पाएगा क्योंकि मेरी मोबाइल अभी उतना अच्छी नहीं है, और मोबाइल से जो भी कैच हो जा रहा है वो दिखाएँगे। बट जो यहाँ से मस्त आ रहा है, दिख रहा है ना वेव्स, उसकी बात ही अलग है गाइस। हमारे भैया जो कि पूजा कर रहे हैं अभी, तो हम आला चढ़ा रहे हैं। यही है मेट्रो असिस्टेंट सेक्शन इंजीनियर ASE जी साहब। और अभी माता का श्रृंगार हो चुका है, बट अभी बंद है, खुलता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। हम भी मंदिर के अंदर आ गए हैं अभी, इनको बंद कर दिया गया है। क्यों अंदर श्रृंगार चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। माता का स्नान हो रहा है। भैया जितने भी मतलब कि माताएं हैं या फिर जितने भी भगवान हैं, सबको माला एक पहना चुके हैं यहाँ पे, और सब जगह माला वाला पहना चुके हैं। और फिर गए उधर, कहाँ गए, बाहर गए, यहाँ पे हैं भैया। अब यहाँ पे फिर से माला ले रहे हैं हनुमान जी को पहनाने के लिए, और फिर पहनाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। हनुमान जी को पहनाने के लिए भैया माला धो रहे हैं, अब देखते हैं कौन से हनुमान जी को पहनाते हैं। आज सामने जो फ्रंट पे हनुमान जी हैं उनको माला पहनाएंगे भैया। पहना दीजिए। ओम बजरंग बली, ओम हनुमते नमः। कैप वैप उनका उतार दिए थे, बट पहना दिए, सुरक्षित कर दिए उनको फिर से। अब आ गए हैं बाहर, अब माता को दिखाते हैं आप लोगों को। दरबार खुलने वाला है, माता का श्रृंगार हो चुका है। ये है चंडिका माता का श्रृंगार, पूर्ण रूप से हो चुका है, आप लोगों को दिखाते हैं। और मंदिर भी खुल गया, लाइट भी जल गया, माता का श्रृंगार भी हो गया। भैया अंदर गए, यहाँ पे भैया ये अंदर सब जले गए हैं, और अभी कर रहे हैं पूजा, और कुछ टाइम तक अब अंदर पूजा होगा इन लोगों का। और श्रृंगार विंगार हो चुका है कंप्लीट, अब मतलब कि 20-30 मिनट में हम लोग भी यहाँ पे निकलेंगे। और इधर आपको दिखा दे तो इधर हवन कुंड बनाया गया है, इधर मतलब कि पूजा वूजा करने के बाद जो हवन हवन होता है उसको किया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे घंटी है, इसको भी बजा देते हैं। सब जानते हैं कि मंदिर में घंटी होते हैं, बट आप लोगों को दिखा देते हैं ब्लॉक में कि मंदिर में घंटी भी है हमारे यहाँ पे। और ये रहा खूब बड़ा पीपल का पेड़, जो कि यहाँ पे फेरी एरी महिलाएं लेती हैं, यही सब है। अभी चलते हैं अंदर, एक थंबनेल बनाते हैं। और अभी माता की आरती का टाइम हो रहा है, आप लोगों को आरती दिखाते हैं एक मिनट का। और इधर देखिए डमरू वमरू सब बजा रही हैं, अभी आरती दिखाते हैं आप लोगों को। आरती स्टार्ट होने दीजिए। तो यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गया है, और भैया अंदर मोबाइल का वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सब भक्तगण हैं, सब यहाँ पे बना रहे हैं अपना। और हम
डमरू लेकर के अंदर आरती का प्रोसेस चल रहा है भैया, आरती करवा के आ रहे हैं, तब तक हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये रहा गाइस छोटा सा शंकर भगवान का मंदिर, जो कि आप लोगों को चल के हम दिखाते हैं। यहाँ पे जय शंकर भगवान, यहाँ पे शंकर भगवान का मंदिर है। अभी शंकर भगवान तो बहुत, ये नंदी महाराज है, नंदी महाराज को पैर छूते हैं प्रणाम। ये भी शंकर भगवान है, इनको भी पैर छूते हैं। यहाँ पे देखिए छोटी सी मूर्ति है शंकर भगवान की, उधर हनुमान जी की, उधर इधर देखिए शंकर भगवान की मूर्ति, इधर खूब ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। इधर गणेश भगवान है और इनको भी पाँव छूते हैं हम लोग, और फिर पाँव छू के चलते हैं, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। और ये रहा बैठने के लिए कुछ जगह, और उसके बाद वहाँ किसी का छोटा सा घर है। इधर बगल में आपके गंगा जी हैं, गंगा जी आपको पिछले ब्लॉग में हम जरूर दिखाए थे, आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे। ये रहा अभी गंगा जी बढ़ी हुई हैं, घटी नहीं है क्योंकि अभी बरसात नहीं खत्म हुआ। आप लोगों को अभी इसका सीन दिखाते हैं गजब। अब यहाँ पे सारा प्रोसेस हो चुका है गाइस, अब भैया अभी आरती चली रही, आरती ख़त्म होगा वैसे ही भैया आएंगे तो हम लोग घर की तरफ चलेंगे, क्योंकि 6:18 पे आए थे, अभी 7:30 बज चुका है। अब देख ही रहे उस टाइम कितना अंधेरा था, इस टाइम कितना उजाला हो चुका है। बस भाई वहाँ का पूजा पाठ ख़त्म हो जाएगा, हम भैया आएंगे तो फिर हम लोग चल देंगे। अभी धूप यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, हम चलते हैं कहीं छाया में, भैया का आने का वेट करते हैं। यहाँ पे सारा प्रोसेस हो चुका है, अब हम लोग चलेंगे घर की तरफ। मंदिर में भैया है, पूजा पाठ हो चुका है, अब चलेंगे घर। अभी हम और राहुल भैया चल दिए यहाँ से घर के लिए, भैया गाड़ी चलाते हुए। आप लोग 10 मिनट में घर पहुँच जाएंगे, हर हर महादेव। तो अभी 9:30 बज रहा था तब निकले हैं गाइस, और ये है चला रहे हैं गाड़ी गाइस, गाइस ये हमारे भैया जी चला रहे हैं गाड़ी। इनका चेहरा जो है काला आ जा रहा है क्योंकि कैमरे की क्वालिटी नहीं है, है बहुत गोरे हैं, बहुत गोरे, बट कैमरे की क्वालिटी नहीं है, अब उसमें हम क्या करें। चलिए भैया घुसाइएगा मत काला वीडियो देख के, घुसाएंगे नहीं ना। आ गए हैं और ये हैं भैया जी भी आ गए, गाड़ी पाड़ी इधर खड़ी कर दिए, हो रही गाड़ी। यहाँ पे आते ही हाथ हाथ धोने लगे, चलना है यहाँ से घर पे, गांव पे, और वहाँ पे देखेंगे। अभी भैया है गाइस 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 कहते हैं बस, और कुछ नहीं। यहाँ का काम हो चुका है, अब चलते हैं हम घर पे, और अब मेरी बाइक यहीं पे है पाप, और चल के जो है तो उसे घर पे कुछ सामान भी ले जाना है। दीपावली का त्यौहार है, यहाँ पे झालर वालर सब लगा है, रात को आपको दिखाएंगे, बहुत मस्त जलता है। हम ही लोग पूरा सेट किए हैं और बाइक यहाँ खड़ी है, अब चलते हैं गाँव पे। बड़ी बात, मेरी गाड़ी पंचर हो चुकी है और यहाँ पे आए हैं हम बनवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 3 गाड़ियाँ पंचर हैं, तीनों की पहिया, पिछली पहिया पंचर है, इसकी भी उसकी भी खुली है। आज दीपावली के दिन तीनों गाड़ी की पहिया, पिछली पहिया ही पंचर हुई है। गाड़ी हमारी पंचर थी, गाड़ी वाड़ी बनवा के फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। अब आज के लिए इतना ही गाइस, क्योंकि अभी हमें थोड़ा काम है, हमें बाहर भी जाना है। और प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी वीडियो पे, सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते इसलिए मन नहीं करता। अब नेक्स्ट ब्लॉग कल देखिएगा, क्योंकि आज इतना इसलिए बना रहे हैं कि हमको जाना है बांध, शायद आज बांध का ब्लॉग बनाने जाएंगे। आर्यन को बुलाएं, आर्यन आता ही होगा। ठीक।